असलम स्टूडेंट्स जैसा कि ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मॉड्यूल्स में हमने डिस्कस किया कि बहुत सारी हाइब्रिड फॉर्म्स हैं अब एंटरप्रेन्योरशिप की जो कि एक फिलन जो कि बिल्कुल नॉन प्रॉफिट है और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान के फॉर्म्स है, हैं दरमियान के स्ट्रक्चर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो किसी हद तक बल्कि बहुत हद तक जो आपकी फंडिंग ऑप्शनस हैं उनको इफेक्ट करता है यहाँ पर इस मॉड्यूल में हम उन हाइब्रिड ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि उन हाइब्रिड मुख्तलिफ़ किस्मों के जो फंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं हाइब्रिड ट्रांजेक्शन से मुराद है कि किस्म के इन्वेस्टर्स जिसमें ऐसे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जैसे कमर्शियल बैंक हैं जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें फिल्म हो सकते हैं जो कि सिर्फ किसी कॉज के लिए इन्वेस्ट करते हैं उसमें इम्पेक्ट इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो कि दोनों के दरमियान का एक रास्ता है और ये सब मिल के किसी ख़ास कॉज को आगे बढ़ाने के लिए किसी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी को फंड करते हैं ये आप कह सकते हैं कि एक अजीब किस्म का मैक्स है क्योंकि इनमें से हर एक इन्वेस्टर जो है उसके मोटिव्स मुख्तफ हैं इन्वेस्ट करने के किसी का प्रॉफिट है रेट ऑफ रिटर्न है किसी की सोशल कमिटमेंट है किसी के लिए जो है वो दोनों का एक बैलेंस इम्पोर्टेंट है और इसी तरह हर जो इन्वेस्टर है उसका जो इंटरेस्ट है जो स्टेक्स है इन्वेस्टमेंट के अंदर वो भी मुख्तलिफ है और जाहिर है उसके मुताबिक उनकी कंडीशनैलिटीज़ भी मुख्तल होंगी सोशल इंटरप्रेन्योर्स जो हैं बिहाफ जाहिर है उनका मकसद जो है वो मैक्मम इन्वेस्टमेंट लेना है अपने कॉज के लिए उसमें अब जो कमर्शल इन्वेस्टर्स हैं उनकी उन्हें रिटर्न हाइएस्ट प्रॉफिट के साथ रिटर्न करना है जो इन्वेस्ट जो इम्पेक्ट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें उन्होंने इम्पेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करना है साथ प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है और जो फिल्म हैं उनके लिए उन्होंने सिर्फ इम्पेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करना है लेकिन यहाँ पर जो आ, फैसला है जो डिसीजन मेकिंग है वो सोशल एंटरप्रेन्योर के हाथ में नहीं है बल्कि इन्वेस्टर के हाथ में है कि वो किन लोगों के साथ किन किस कॉम्बिनेशन में किस कॉज के लिए किस सोशल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिटरेचर में कुछ टूल्स अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए से वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह की होगी वो किन लोगों के साथ मिलकर ये हाइब्रिड फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें एक फॉर्म जो है वो एक्टिव ओनरशिप स्ट्रेटजीज हैं ये ख़ास तौर पर सूटेबल हैं कमर्शियल जो इन्वेस्टर्स uh, हैं उनको जैसे बैंक्स हैं या लोन वाली ऑर्गनाइजेशन लोन देने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लोग क्या करते हैं कि मार्केट में एक्टिवली ये सर्च करते हैं कि किस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट है उस पे इस वक्त रिटर्न आ रहा है उसमें सोशल काजेस शामिल हैं लेकिन वो सोशल काजेज जिन पर मैक्सिमम रिटर्न साथ मिलेगा ऑफ कोर्स बाद सोशल कॉजे इम्पोर्टेंट हैं क्रिटिकल हैं बल्कि माशरे की वेलबींग well के लिए लेकिन उन पर रेट ऑफ रिटर्न वो नहीं है जो किसी और कॉज के लिए तो कमर्शियल जो इन्वेस्टर है वो स्क्रीन करेगा वो मार्केट को असेस करेगा वो एक्टिवली एंगेज होगा मार्केट के साथ फाइनेंशियल मार्केट के साथ ये देखने के लिए कि किन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में हाईएस्ट रिटर्न है इसी तरह एक दूसरा टूल जो है वो स्क्रीनिंग का अवेलेबल है ये हर तरह के इन्वेस्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं कमर्शल इन्वेस्टर्स भी इम्पेक्ट इन्वेस्टर्स भी और फिल्म भी स्क्रीनिंग की जाती है कि कौन से इश्यूज जो हैं वो क्रिटिकल हैं ऑफ कोर्स थ्रॉपिक के लिए क्रिटिकल इश्यूज इम्पोर्टेंट हैं लेकिन कमर्शियल इन्वेस्टर के लिए वो इस लिहाज से क्रिटिकल हैं इश्यूज कि उनमें इन्वेस्टमेंट हो रही है और रिटर्न आ रहा है इसी तरह इम्पेक्ट इन्वेस्टर के लिए वो इश्यूज क्रिटिकल हैं जिसमें कम अज़ कम उनकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ जाए लेकिन ऑफ कोर्स माशरे में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो इम्पेक्ट है जो वैल्यू एडिशन है वो भी होता रहे इसी तरह एक और टूल जो है वो गारंटीज़ हैं थ्रू शेयर्स जो कमर्शल एंटिटीज़ हैं वो या इंपैक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने जो उनके एसेट्स हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स के उनको गारंटीज़ के तौर पे यूज़ करते हुए एक्विटी या ओनरशिप जो है वो क्रिएट है, करते हैं है, मुख्तलिफ सोशल एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के अंदर ताकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाए ये वो टूल्स हैं जो फिलंथ्रोपिस्ट को भी हेल्प करते हैं बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए कि उनकी जो डोनेशन है या उनकी जो ग्रांट्स हैं वो बेहतर जगह पर जाएं। लेकिन ये ज़्यादा यूजफुल हैं इम्पेक्ट इन्वेस्टर्स और कमर्शियल इन्वेस्टर्स के लिए ये असेस करने में क्योंकि उनका फील्ड नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप खासतौर पर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर ज़ाहिर है वो जो कमर्शियल इन्वेस्टर है उसको नहीं कन्विंस कर सकता क्योंकि उसका ना तो मार्केटिंग प्राइसिंग जो है उस पर कंट्रोल है सोशल सर्विसेज के हवाले से ना ही वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि कितना इम्पेक्ट होगा तो ऐसे में इन्वेस्टर ख़ुद इन टूल्स को यूज़ करते हुए डिसाइड करता है कि उसे किन कॉजिस पे किन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना है थैंक यू